आप सभी उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। आज के स्टूडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज करते हो, लैपटॉप के अंदर आपके वेब कैमरे में कोई दिक्कत है, कोई इशू है, वो प्रॉपरली चल नहीं पा रहा है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा तरीका जिससे आप अपने स्मार्टफोन को अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप के अंदर कनेक्ट करके इजिली अपने मोबाइल फोन का कैमरा एज ए वेब कैमरे की तरह यूज कर पाओगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं, देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि हमें करना क्या है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने मोबाइल फोन के अंदर प्ले स्टोर के अंदर जाना है और ये ऐप है वो डाउनलोड करना है। और वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैं आपको लिंक दे दूंगा। तो मेरे पहले से ही ऐप है वो इंस्टॉल की हुई है, तो मैं इसको सिंपली क्या कर लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मुझे एक आईपी एड्रेस मिला है, वो आईपी एड्रेस मैं अपने लैपटॉप सिस्टम के अंदर है वो डालने वाला हूँ। अब लैपटॉप में क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। लैपटॉप में आपको सिंपली करना क्या है, गूगल पे सर्च करना है, DV47 एप्स नाम से सर्च करना है, वो फर्स्ट ही फर्स्ट वाले पे ओपन कर लेना है। और यहाँ पे नीचे आना है, विंडोज लिनक्स के लिए भी मिल जाएगा आपको, तो ये बेसिकली विंडो और लिनक्स के दो के लिए ही मिलेगा। तो विंडोज के लिए आप सिंपली डाउनलोड कर लेना है। तो मेरे पहले से डाउनलोड किया हुआ है और बाहर देखो ये इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैं इसको सिंपली क्या कर लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। अब फोन के अंदर जो आईपी एड्रेस था वो आईपी एड्रेस मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो देखिए फोन के अंदर मेरे यहाँ पे आईपी एड्रेस दिखाई दे रहा है आपको, 1 तो सेम टू सेम आईपी एड्रेस है वो वहाँ पे मैं डाल रहा हूँ। तो आप स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए। तो सिंपली आईपी एड्रेस क्या है, 168.101.4। अब करना क्या है, फोन का आपको हॉटस्पॉट ऑन करना है अपने मोबाइल फोन का। तो मैं अपने मोबाइल फोन का है वो हॉटस्पॉट है ऑन कर लेता हूँ। और अपने लैपटॉप में या डेस्कटॉप के अंदर आपको हॉटस्पॉट वाईफाई है तो अपने मोबाइल का कनेक्ट करना है। तो चलिए मैं आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। सिंपली जो फोन के अंदर आईपी है वो आईपी मैं अपने लैपटॉप के अंदर यहाँ पे डालूंगा। तो जूम करके आपको एकदम क्लियरली दिखा दूँ, देखो यहाँ पे जो फोन के अंदर आईपी आई हुई है वो मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ। तो फोन में आईपी आपने देख ली होगी, अब मैं डालूंगा .43.1 और सिंपली आपको क्या कर देना है, स्टार्ट कर देना है। अब जो मेरे मोबाइल का जो कैमरा है वो देखो आप मेरे लैपटॉप के अंदर है वो जुड़ चुका है, देख रहे हो आप। इसको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो फोन के अंदर है, मैं इसको एज ए वेब कैमरा भी यूज है वो कर सकता हूँ। तो आपको दिखा दूँ, देखो इस तरीके से आप देख पा रहे हो, लैपटॉप में दिखाता हूँ आपको, लैपटॉप के अंदर दिखाई दे रहा होगा। तो लैपटॉप में आप देख पा रहे हो कि लैपटॉप में वेब कैमरा वो एज ए वेब कैमरा आप यूज़ कर सकते हो किसी भी ऐप के अंदर, और सेम टू सेम वही चीज़ आपके मोबाइल में चल रही है। बट मोबाइल में आप इस चीज़ को बंद कर दोगे तो भी आपके फ़ोन में जो कैमरा है वो चलेगा। ये देखिए मोबाइल में तो ये सब आ रहा है बट कैमरा आपका चालू है। तो ये चीज़ आप इजीली है वो कर सकते हो अपने लैपटॉप में और डेस्कटॉप के अंदर। तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और आपको नॉलेज मिला होगा। तो ऐसे टेक्निकल से रिलेटेड और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरीके से आप अपने स्मार्टफोन को अपने लैपटॉप और डेस्कटॉप के अंदर एज ए वेब कैमरा यूज कर सकते हो। ऐसे ही टेक्निकल से रिलेटेड और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही टेक्निकल से रिलेटेड जुड़ते हुए वीडियो आपको और भी इस यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।